सुंदरनगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी, मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब किराया कैसे देंगे? पीलू, देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं, मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपये उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे, हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी, वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या, एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ, कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी महादेवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ, आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना, मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा ने पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है, मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी, सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है, वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है, उसने आपको कर्ज के नीचे दबा कर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है, लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है, सब उससे डरते हैं। उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, मैं उसे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन, पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे, कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं, वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक
पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है, वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है, आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाले घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है, कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है, उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी, वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे, मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है, काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है, आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन एक साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा, और 2 साल में 10 गुना। आप तो दो दो जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज, मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ, तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी, अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है, वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है, आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का, अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा, तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो, लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो, कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब
बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है, मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है, उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काट कर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और दो हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं, मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले, इतना बढ़िया घर वो भी लकड़ियों। लेकिन बात जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ, मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा, तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए, आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।